दोस्तों वेलकम टू माय चैनल सेतु ब्लॉग। मैं आज आपको दिखाऊंगी जो सुमो डैन आता है गाय को खिलाने वाला ब्लॉग। ये सुमो डैन, ये आनंद डेयरी से ही आता है सुमो डैन। वो सूरत की सुमो डेयरी बनाती है, उसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। मैं ये डैन अपनी गाय को खिलाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैंने गाय को दे दिया है तो वो खाने लगी है, वो उसको ज़्यादा पसंद है। और ये मेरी दूसरी गाय है, उसको भी दाना ज़्यादा पसंद है, और मैं अपने बछड़ों को खिलाऊंगी। ये मेरी दोनों बछड़ियाँ है तो इसको तो ज़्यादा ही पसंद है। दोस्तों आप ये काव लाते हैं तो करीब ये लूनी की गाय है, और ये गाय करीब 1 लाख रुपए की आती है, और उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। ये गाय हमारे घर की है, लेकिन दोस्तों आप ये गाय लूनी से गुजरात के वासदाया तालुका में जहाँ लूनी है वहाँ की ये प्रजाति है, और ये ज़्यादा ही अच्छी है, लेकिन वो कुत्ती बहुत है। इसकी 15 लीटर की कैपेसिटी है। वह जब बच्चा डिलीवर करती है तब 15 लीटर से ऊपर दूध देती है। और ये हमारी दूसरी गाय है, ये भी करीब 6-7 लीटर दूध देती है। वो उसकी ये बहुत ही अच्छी है। ये 24 दूध देती है तब 24 कल्लाक यानी 24/7 वो ऊबी रहती है। वैसे उसके यहाँ दूध ही होना चाहिए। ये गाय देखिए, ये दाना खा रही है, उसको ज़्यादा ही पसंद है। यहाँ हम उसको जब दूध निकालने के बाद उसको खाना खिलाते हैं, क्योंकि वो उसको दूध खिलाने के बाद ही देना, ताकि दूध दहन के समय कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं होती। ये गाय आप देख सकते हैं, ये गाय करीब 1 लाख रुपया ऊपर से भी ज़्यादा थे। इसकी कीमत लगभग तो 50,000 के आसपास होगी। गुजरात के लूनी गांव में आप जाओ तो यहाँ सापुतारा बाजू से मंगवा सकते हो। उसको ठंडा प्रदेश काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और वो उसको ये तो हमारी जो तबेला है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पक्का है, आप देख सकते हैं यहाँ। लेकिन हम तो मीडियम है इसलिए ऐसा ही है। वो करीब 20,000 का ये तबेला बना था का है, लेकिन हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है इसलिए हम पंखा नहीं देते। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसे डेली वीडियो लाते रहें।